नमस्कार, आप सुन रहे हैं रफ्तार और हम हाजिर हैं शाम की 10 बड़ी खबरों के साथ। आईआरएस अफसर के घर मिली भेल कर्मचारी की लाश, डेटिंग ऐप के जरिए 3 साल पहले हुई थी मुलाकात, शादी पर थी अनबन, उत्तरकाशी के गांव में लगी भीषण आग, आधा दर्जन घरों का हुआ नुकसान, आग बुझाने के लिए मांगी गई वायुसेना की मदद, तृणमूल के खिलाफ भाजपा के विज्ञापन अपमानजनक, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने के लिए किया मना, कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी स्वाति मालीवाल, अदालत में विभव के वकील ने दागे कई सवाल, पुणे पोर्शे केस में अस्पताल के फोरेंसिक डॉक्टरों ने बदल दिए नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल, 2 डॉक्टर गिरफ्तार, हमास ने 5 महीने बाद फिर से इजराइल पर दागे मिसाइल, इजराइल ने कुछ ही घंटों में दिया मुंहतोड़ जवाब, सेक्स स्कैंडल केस पर प्रज्वल रमन्ना ने कहा मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, गौरव नितिन बने डांस दीवाने 4 के विनर, ट्रॉफी के साथ जीते 20 लाख रुपए, पायल कपाड़िया ने देश का नाम किया रोशन, कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता अवार्ड, मुनव्वर फारूकी ने पुणे पोर्शे मामले में रखी अपनी बात, फैंस कर रहे हैं सपोर्ट। तो ये थी शाम की 10 बड़ी अपडेट, ऐसी और भी अपडेट्स और जानकारियों के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।